प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पाठ दो वर्ण विचार। तो बच्चों, वर्ण जो हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आ का खा गा, ये सब वर्ण हैं। और वर्णों का जो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के जो भेद हैं वो दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो बच्चों, स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर यह है कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। अतः स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं और व्यंजन जो हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर हैं आपके आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ये सब आपके स्वर हैं। और व्यंजन हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, अक्षतर, ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। दूसरा प्रश्न है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पहला है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का अर्थात बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ह्रस्व मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ तथा री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा का अर्थ क्या लेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मात्राकाल अर्थात ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ तथा औ, ये क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ तथा औ। ह्रस्व स्वर आपको बताए अ, ई, ऊ तथा री। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ तथा औ, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। तीसरा प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अनुस्वार है जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और इसके विपरीत, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुहां दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, और अनुनासिक जिनके उच्चारण में मुहां और नाक दोनों से वायु बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का उदाहरण है दिनाक, वंदना, बंदर, दंत आदि। और अनुनासिक के उदाहरण हैं महंगाई, चांदनी, बांस, गांव आदि, इस प्रकार के और अन्य कई उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जा और जा तथा फा और फा ध्वनियों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो जो ज वर्ण तालु से उच्चरित होता है, जबकि ज मूर्धा है, तालु से जा, ये तालु से आता है, जबकि ज मूर्धा से, जीव आगे से मूर्ति है जा। तो इस ध्वनि के उच्चारण में जीव का अगला भाग तालु के निकट स्थित मूर्धा भाग का स्पर्श करता है, तथा इसके उच्चारण में हवा मुख से धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो आपका अलग अलग इनका उच्चारण करेंगे तो जा का तालु से होगा और जा का मूर्धा से, जीव आगे से मुड़ेगी मूर्धा। फा वर्ण का उच्चारण पूरी तरह से ओंठों से होता है, जबकि फा दंतोष्ट वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय ओंठ एक दूसरे का स्पर्श किए बिना ही अपने स्थान पर आ जाते हैं, तथा हवा दांतों का स्पर्श करते भी बाहर निकलती है। तो जो फा वर्ण का उच्चारण है वो ओंठों से होता है, और फा का जो है
दंतोष्ट वर्ण से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर 3 है, परिभाषा लिखिए। पहले मूल स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनकी रचना में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है उनको मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ और री, इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है। दूसरा है संधि स्वर, वे स्वर जो किसी अन्य स्वर अथवा अपने ही समरूप स्वर की सहायता से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो जो अपने ही स्वरों की सहायता से बने हैं, उदाहरण के लिए आ आ धन आ क्या हो गया, आ ई धन ई, ई उ धन उ, उ, तो ये क्या है दीर्घ बन गए, तो इन स्वरों में अन्य स्वर की सहायता ली गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अल प्राण तथा महाप्राण व्यंजन। तो अल प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें अल प्राण व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जो हवा है, जो वायु है, या जिनके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उनको अल प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प का अर्थ होता है कम, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है जैसे य र ल व आदि ऐसे कई और वर्ण हैं। और महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है या जिनको हमें बोलने में बल देना पड़ता है तो उनको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे शा शा सा और हा, ये आदि ऐसे और महाप्राण व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं उनके बारे में अध्ययन किया, और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।